हेलो प्रणाम नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो खुशी 90.4 एफएम मेरे यानी अपने पीसलो राज अखिल के साथ। वक्त है बजकर 8 मिनट और 37 सेकंड का, लेकिन इस वक्त मैं अकेला नहीं हूँ डिफरेंस। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने वाकई में यार एक ऐसा काम किया जिसको देख के मेरा दिल तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन जब आप भी सुनेंगे ना उसके बारे में तो आप भी बड़े बागबान हो जाएंगे। मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल बागबान हो जाएगा। गाना सुना गार्डन गार्डन वाला, वैसे ही आपका दिल हो जाएगा। तो आपको बता दूं भाई, मेरे साथ एक स्टूडियो मौजूद है एक ऐसे नौजवान जिन्होंने गढ़वाल की संस्कृति को थोड़ा सा एक अलग तरीके पर ले गए हैं। जैसे आपने गढ़वाली गाने सुनेंगे, हमारे भाई नयन सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम प्रतुवान जी हैं, राणा जी हैं, बहुत से गीतकार हैं जिन्होंने गाने गाए हैं हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर। लेकिन एक नौजवान है, नाम निराला जी है। जी हाँ, जी लगा दिया, जैसे पार्ले जी के आगे लगता है ना, इन्होंने अपने नाम के जी लगाया है। और निराला जी ने एक गाना गाया है भाई, बड़ा ही खूबसूरत सा वो ट्रैक है। इसमें से सारी बातें मैं ही क्यों कर रहा हूँ, उनसे की मुलाकात करा देता हूँ यार। सो वेलकम टू द स्टूडियो मिस्टर अंशुल निराला। थैंक यू अजीत, कैसे मेरे दोस्त, आप ही बताइए इससे पहले। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा ही पहले बहुत आपको बहुत सुन चुका हूँ पहले जी, बड़ा ही ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक बार बैठूंगा, आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। ख्वाहिश पूरी हो चुकी है आपके साथ बैठ। वैसे ये कहते हैं दुनिया गोल है, जो सोचते वो हो ही जाता है। So, ऐसे अंशुल, जैसे आज आप, मैं अपने लिसनर को बता दूं कि भाई आज ये स्पेशल गेस्ट इसलिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो पे क्यों मौजूद है, जरा बताइए। आप अपने मुंह से तारीफ करिए प्लीज। सो पहले तो मैं सबको बता दूं, इट्स मी निराला जी। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, एक गाना बहुत चल रहा है रॉन्ग टर्न रॉन्ग टर्न। सो मैं उसी के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। बहुत ही एक मैंने एक नई तरीके से अपने गढ़वाल के अपने कल्चर को एक बिल्कुल ही एक नया फ्लेवर दिया है, बिल्कुल ही एक वेस्टर्न अंदाज में ले गया हूँ। जैसे कि आप बॉलीवुड वगैरह के सॉन्ग देखते हो, सो आप देख सकते हैं कि यार मैंने एक बहुत ही अच्छा नया ट्रेंड लाने की एक बहुत कोशिश करी है और जिसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा भाई, लाखों लोग व्यूज आ चुके हैं। कितने मिले वैसे व्यूज के बाद पैसे? लाखों तो नहीं, बट अभी अभी चल रही है, 2 हफ्ते में ही मार, ये इसने 40,000 का कभी 40,000 का व्यूज पार कर चुका और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, पहली बात तो कि इतना प्यार दे रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं। मुझे लगा था यार एक बार के लिए कि गढ़वाली गाना मैं वेस्टर्न में लेके जा रहा हूँ, यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग पसंद ना करें ये ना करें, बट लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। सबके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं कि हम ऐसी एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब आपने ये पहली पहल करी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब। बिल्कुल, माय रेडियो जनता, आपको बता दूं भाई मिस्टर स्टूडियो मौजूद है अंशुल निराला। वैसे नाम इनका निराला जी, जैसे मेरे बोही में है ना रैप, वैसे ये भी रैपिंग कर रहे हैं भाई। आपको दादा आज तक अपने गढ़वाली गाने सुनोगे, बहुत से हमारे मधुमत आवाज जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, जागरण सम्राट भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं स्टूडियो पर, लेकिन आज मैं इन शख्स को लेकर आया बिकॉज इन्होंने एक अलग सा एक टच दिया है गढ़वाली को। जैसे कि आप देखते हैं ना, पंजाबी गाने भी आजकल बड़े सुनने को मिलते हैं हम लोगों को यार, पर उसमें हम सोचते हैं यार गढ़वाली कौन गाएगा। मैं भी कई बार सोचता था अंशु कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूं, कुछ रैपिंग वगैरह करूं, बट कभी हिम्मत नहीं हुई। एक तो आवाज़ इतनी बेसुरी सी है कि मैंने कहा लोग सुन के भाग जाएंगे, बट इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा गाना लिखा भी है, गाया भी है, कंपोज भी करा है, एक्टिंग बड़ी गजब की है भाई की यार। मतलब भाई तुम एक्टर भी हो? बस कर ही लेते हैं छोटे, एक्टर भी है वैसे। पर इनका गाना वाकई मेरा अंशुल, जिस मैंने फर्स्ट टाइम जब गाना सुना उसके बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैंने कहा नहीं, इस भाई को तो स्टूडियो में बुलाना है और इनसे बातचीत करनी कि भाई आखिर ये फील आया कहाँ से कि यार, क्योंकि आज तक इतना अनोखा स्टाइल किसी ने सोचा नहीं था बट आपने किया, तो ये फील आई कहाँ से पहले आपको? ये मैं 2013 में मैंने एक गाना बनाया था बेडू पाकू, मैंने उसको बहुत रिमिक्स करके बनाया था जी। उस समय से ही ख्वाहिश थी, मतलब मेरे को ऐसी कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है कि म्यूजिक मेकिंग की और सिंगिंग की कुछ भी, बट मेरा एक शौक था कि यार ऐसा एक काम करना है, मतलब ये अच्छी चीज़ है यार, मज़ा आता है म्यूजिक बनाने में। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन हूँ या म्यूजिक बनाता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो ये म्यूजिक के जो सॉफ्टवेयर है मैं इनके साथ खेलना मैंने शुरू करा उस वक्त। मुझे बड़ा अच्छा लगा काम करके कि यार ये सही है, ऐसे ही बीट्स बनती है, ऐसे ही बीट्स बनती है, तो इस तरीके से मैंने काम शुरू करा उस वक्त। मतलब बचपन में क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते थे आप? सॉफ्टवेयर के साथ खेलना है आपको? नहीं, बचपन में मैं तो क्रिकेट ही खेलता था, लेकिन जब जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के साथ में आना शुरू हो गया जैसे 12th वगैरह के बाद जी, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर में मैं क्रिएटिव लाइन में जाना चाहता था, इसलिए मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने मल्टीमीडिया एनिमेशन करी है। एक मिनट, ये किसने कहा कि इंजीनियर क्रिएटिव नहीं होते हैं? नहीं वैसे मैं इंजीनियर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता है बिकॉज मेरे खुद घर से 3-4 इंजीनियर है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये रॉन्ग टर्न जो है आपको नाम कहाँ से सूझा? ये रॉन्ग टर्न मैं ऐसी एक बार लिख रहा था गाना, मतलब मेरे दिमाग में एक लाइन आई थी यार रॉन्ग टर्न, तो मैंने सोचा कि यार इसमें अगर रॉन्ग टर्न में मैं कुछ लिखता हूँ, इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं इसको एक हिंदी में लिखूंगा। ओके, रॉन्ग टर्न का एक हिंदी में बनाता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ, मेरी आदत है, मैं एक वर्ड जो आया था और क्लिक कर जाए दिमाग में कि अगर इसमें कुछ लिखना चाहिए तो मैं फिर उसके बारे में लिखता हूँ। ओके, तो मैंने लिखना शुरू करा रॉन्ग टर्न के बारे में, मैं चाहता था कि इसमें कुछ स्टोरी डालूं रॉन्ग टर्न की। अब ये नाम अच्छा है बहुत,
इसमें रॉन्ग टर्न में कोई इसमें कुछ कुछ ना कुछ स्टोरी होनी चाहिए कि कुछ रॉन्ग टर्न लिया जी। तो मैंने उसी तरीके से फिर गाने को लिखना शुरू करा। मैंने इनिशियली हिंदी में लिखा था, बट फिर मैंने गाने सुने बहुत सारे, पंजाबी गाने सुने, बहुत सारे बॉलीवुड गाने सुने, फिर मेरे को लगा यार कि मैं पहले से वैसे भी बहुत सोच रहा था कि यार गढ़वाली में कुछ निकालना है, गढ़वाली में कुछ निकालना है। तब मैंने सोचा कि यार इसे गढ़वाली में लिखता हूँ। फिर मैंने देखा, काफ़ी मैंने पढ़ा इसमें, अपने डिक्शनरी वगैरह से मैंने पढ़ के देखा कि यार इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गढ़वाली में, हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके। फिर मैंने एक पूरा का पूरा इस तरीके से स्टोरी एक पूरी बनाई एक अपने लिरिक्स में, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये स्टार्ट हुआ। मतलब आपने पहले बॉलीवुड को देखा, फिर बॉलीवुड को देखा, फिर हॉलीवुड को देखा, और आपने कहा मुझे अपना गॉलीवुड अब चमकाना है। तो अपने गॉलीवुड में आपने बड़ी अच्छा गाना गाया, और रॉन्ग टर्न बड़ा ही अच्छा नाम है, मूवी भी एक रॉन्ग टर्न, तो मुझे वो याद आ गई थी। मैंने कहा भाई यहाँ आ गए क्या स्टार कास्ट, मुझे ये तो अपने ही बंदे हैं। फिलहाल ये तो था आपके रॉन्ग टर्न के बारे में। जब अपने इस गाने के लिखने, जब अपने लिरिक्स लिखने शुरू करे, तो क्या फील आती थी आपको जब आप ये गाने लिखते थे? मतलब ये जो वर्डिंग्स है कि बहर तू है जा, मुखड़ी दिखे जा, तो ये मतलब कहाँ से लिरिक्स निकले? ये दिल से तो निकले नहीं है, इसके पीछे कहानी क्या? मैं कहानी जानना चाह रहा हूँ सर। इसके पीछे ऐसी ऐसा कोई बिल्कुल ऐसी कोई मेरे से रिलेटेड ऐसी कोई कहानी तो है नहीं। ओके, लेकिन आपके साथ बैक बोन्स भी हैं आपके, बिना रीड के डे काम चलता नहीं भाई आजकल, तो मैं उनका नाम भी जानना चाहूँ, किस किस शख्स ने आपकी मदद करी, कौन कौन था आपके साथ, तो मैं उनका नाम भी जानना चाहूंगा। ये मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को सबसे बड़ा जो बनाने में हाथ है, ये हमारा काम तो सिर्फ परफॉर्म करना है। देखो जी, हम तो परफॉर्म करते हैं जी, ठीक है, हमने लिख दिया गाना अच्छा है, बट जो मेन चीज का हाथ में जो पूरा का पूरा कैमरा है, इसके पास जो इतना अच्छा वीडियो जो लोग बोल रहे हैं कि बन के आया है जी, उसके पीछे इसका हाथ है, वो है मेरे खुद के भाइयों का, जिन्होंने पूरा का पूरा वीडियो शूट करा है जी। ज्यादा बड़ी हमारी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा क्रू नहीं है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, हम सब क्रिएटिव बंदे हैं सबके साथ। सो मेरे बड़े भैया हैं अतुल निराला, छोटा भाई है आकाश कुमार, और एक मेरा फ्रेंड है विक्की शर्मा। तो इन तीनों की एक हमारी एक पूरी की पूरी एक यही टीम है। सो इन्होंने जो बैकबोन जो पूरी गाने की है, जो पूरा जो इतना बढ़िया वीडियो बन के आया, ये सब इन्हीं की देन है। मतलब चार लोगों ने पहाड़ में धमाल मचाने के लिए तैयार हो गए, मतलब निराला एंड प्रोडक्शन जो है वो तैयार हो रहा है, निराला नेशन प्रोडक्शन नेशन जो है नया नेशन बनाने वाले हैं। मतलब आप लोग वैसे अच्छा लगा यार, एक बार फिर सीडी खुशी 90.4 एफएम, आप सोचने वाले यार ये आरजी क्या हो गया, गड़वाली में की बात कर रहा भाई, इतना अच्छा गाना सुनाया मैंने रॉन्ग टर्न आपको, मैंने कहा थोड़ी फील आ गई थी अंदर से मेरे यार, मतलब जो मेरा गढ़वाल खो गया था आप वापस ले आए उसको यार। थैंक यू वेरी मच अंशुल यार, थैंक यू वेरी मच आपको। मतलब मेरे इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, जितने बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं भाई क्या गाना गाया अंशुल यार, वहाँ तो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, मतलब टाइम दे दो उनको मिलने का आपसे। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने भी सुना अंशुल गाया हुआ गाना रॉन्ग टर्न, तो अंशुल ये तो हमने म्यूजिक के साथ सुना, लेकिन मैं इस वक्त बिना म्यूजिक के लाइव सुनना चाहता हूँ, और मैं ही नहीं हमारी ऐसी लाखों जनता जो इस वक्त आपको लाइव सुनना चाहती है, तो प्लीज यार कुछ चंद लाइनें आप गढ़वाली गाने ही गाइए, क्योंकि मैं इसलिए भी गवाना चाहता हूँ आपसे, आपको गढ़वाली नहीं आती है, कम आती है, थोड़ी बहुत आती है, बट स्टिल आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे आपने, तो इसलिए वो गाने मैं सुनना चाहूंगा, इसलिए मैं और अपनी आवाज में नहीं, पर हाँ आपकी आवाज जरूर सुनना चाहूंगा, फटाफट सुना दीजिए। बिल्कुल। शहर में आयु छा एक परिंदा, गढ़वाल मा देखा मचू ते हल्का, सुबेर सुबेर गंदन कन दोपहर, लग दी कमाल छोरा हक बक यू चा, चश्मा लगे की हॉट पैंट चढ़ की से बांध हिटनिया कमर मटके की, पलट के देख दी से जब मुस्कुरा की, आका से आका मिल के दिल सिग्नल दौड़ के मारा, रोंग टर्न रोंग टर्न मा लव एट फर्स्ट साइड, लग दूनी ते राइट, रोंग टर्न रोंग टर्न प्यार रोते लगी छी मेरी तीस बड़े के लगी, रोंग टर्न रोंग टर्न कन तंत्र मन करे की रिटर्न मी बाटू, रोंग टर्न रोंग टर्न उफ क्रेजी मित कर गई। अरे रॉन्ग टर्न भाई, ऐसे रॉन्ग टर्न मुझे मिल जाता ना, माशाल्लाह मैं पता नहीं कहाँ चला जाता है यार। वैसे अंशुल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, और आप इतना अच्छा गाना लिखे, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ ऐसी जनरेशन है, हमारे युवा लोग हैं जो स्टिल अपने कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, अपने गढ़वाल के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बोली भाषा को दूर नहीं हम मिक्स कर रहे हैं, बट स्टिल भूले नहीं है, और आपको तो यार गढ़वाली आती भी नहीं थी, बट स्टिल यू हैव ट्राई, तरी कहना चाहूंगा। वैसे एक और बात भी कहना चाहूंगा यार अंशुल, गाने की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है, तो आपने कहाँ सीखा है गाना? ये मैं जैसा कि मैंने बताया था 2013 में मैंने बनाया था गढ़वाली गाना भेड़ू पापू, एक उसको रिमिक्स करके बनाया था, वो इतना मतलब उस समय मैं सिर्फ इनिशियल स्टेट पे सीख रहा था, म्यूजिक भी मैं सीख रहा था, सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहा था, तो मैंने उसके साथ एक म्यूजिक बनाया था, एक बहुत ही वही नेक्स्ट एक न्यू जनरेशन का एक म्यूजिक बनाया था, और भेड़ू पापू को एक बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी, और बनाया भी था, वीडियो भी उसका बहुत अच्छा बनाया था मैंने, और होपफुली भी वो अच्छा ही बन गया था। तो वहीं से जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे लेजेंड ही है, वो हमारे बिल्कुल के लेजेंड है सारे,
सब हर कोई इन्हें जानता है, तो उनकी उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि यार कितना ये लोग गढ़वाली के इन्होंने गढ़वाली को कितना ऊपर पहुंचा रखा है। बेड़ू पाकू गाना कौन नहीं सुनता, हर किसी को पता है बेड़ू पाकू गाने के बारे में, हर कोई वो बॉलीवुड तक गाते हैं। तो मैंने सोचा था कि यार हाँ उसकी हर कोई अब न्यू जनरेशन है, आजकल न्यू जनरेशन आती है सबके सब गढ़वाल से ही शिफ्ट हो जाते हैं सिटी में, तो आजकल की जो न्यू जनरेशन आ रही है वो सुनती नहीं थी मतलब इतना गढ़वाली गाने, क्योंकि वो फोक थे सब ट्रेडिशनल थे और थोड़ा सा मतलब मैच्योर बंदे सब सुनते थे बट न्यू जनरेशन नहीं सुन पाती थी उनको थोड़ा। उस समय चलता था हनी सिंह वगैरह के धूम बाम गाड़ियों में सुनने के लिए ये सब कुछ वगैरह। तो मैंने कहा कि ऐसा ही कुछ हमें गढ़वाल में लेके आना है, मुझे यही सब चीजें चाहिए जो मैं गढ़वाल में बजा सकूं, है ना। इवन तो मुझे गढ़वाली इतनी आती नहीं थी बट मैंने सीखी, मैंने मम्मी पापा को ये बोला कि यार गाओ मेरे को बताओ वर्डिंग क्या होती है कैसे कैसे होती है, तो मैंने बनाया उस समय मैंने गाने बनाए थे। सो उस समय इतना अच्छा मुझे म्यूजिक वगैरह आता नहीं था, तो मैंने कहा कि पहले म्यूजिक को सीखता हूँ थोड़ा सा। मैंने यूट्यूब और गूगल से ही पूरा का पूरा म्यूजिक वगैरह सीखा है, सिंगिंग सीखी है पूरी वहीं से जो भी है। दो मैं इतना अच्छा अभी गाता नहीं हूँ मुझे पता है बट हाँ फिर भी मैं अभी मैंने शुरू ही करा है। सो मैंने सब यूट्यूब और गूगल से सब कुछ सीखा, ये सब कुछ ट्रेंड म्यूजिक सोशल मीडिया ने इंटरनेट ने आपको बहुत फायदा पहुंचा। वैसे यार आज के वक्त में हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये एक किसी को भी आगे जाने के लिए। कहता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ही बड़ी चीज आती है क्रिकेट में, सिर्फ आपको फेम दिलाने में नहीं आपको सिखाने में भी। यार कहते हैं जैसे भाई एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, हेड एंड टेल। तो वैसे भाई सोशल मीडिया की भी अब वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे उसको यूज करते हैं। तो वैसे अगर अब हमारी जनता है तो ये गाना कहाँ ढूंढ सकती है अगर वो सुनना चाहे रॉन्ग टर्न? तो ये गाना आपको मिल सकता है यूट्यूब पे जी, आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा और आपको रिवर्ब नेशन एक साइट है वहाँ MP3 मिल जाएगा। MP3 आप गूगल में अगर सर्च मारेंगे आपको मिल जाएंगे आराम से, साउंड क्लाउड में मिल जाएगा, मिस्टर जट में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ओके और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो उस पर रॉन्ग टर्न बाय अंशुल या निराला जी, बाय निराला जी। ओके सो डियर फ्रेंड्स रॉन्ग टर्न अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, उसकी वीडियो आप एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे मेहनत करी हमारे उत्तराखंड के नौजवानों ने, कहां कहां वो अपना पसीना बहा रहे हैं, कहां कहां अपनी मेहनत लगा रहे, तो जरूर देखिएगा। रॉन्ग टर्न टाइप कीजिएगा निराला जी और उनकी जो वीडियो है ऑडियो आपको दोनों वहां मिल जाएगी। फिलहाल अंशुल हम एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आपने एक और गाना भी गाया है, तेरा जादू चल गया। तेरा जादू हाँ चल गया, हाँ चल गया मतलब हाँ चल गया, मतलब वो मानती नहीं थी उसको मनवाया कि तेरा जादू हाँ चल गया। तो अगर इस गाने की बात करें तो ये वर्डिंग कहाँ से ढूंढी सर आपने? ये वर्डिंग भी ऐसी आई मेरे दिमाग में, यार लिख रहा था बस, लिखते लिखते एक गाना दिमाग में आया कि यार तेरा जादू था मेरा वो पूरा का पूरा वर्ड, वैसे तेरा जादू के ऊपर मुझे मेरे को कुछ लिखना था तो मैं लिखता गया तेरा जादू हाँ चल गया, ऐसे आते रहे आते रहे आते रहे वो बस बन गया। एक मिनट में जानना चाहूंगा आप ऋतिक रोशन के फैन है? माधुरी डिमरी, तो उनकी भी काफी तारीफें सुनी है मैंने। तो अगर इस गाने की हम बात करें तो पिक्चराइजेशन आपने ये सारी FRI में करी है, तो इसके पीछे क्या मोटिव, इस गाने के पीछे क्या दिखाना चाह रहे थे, मतलब क्या बताना चाहते थे सच में जादू चल गया? ये इसमें भी एक स्टोरी रखी है, दोनों गानों में मैंने एक स्टोरी रखी है, स्टोरी में क्योंकि गाना सुनने में इंटरेस्ट स्टोरी बिल्कुल, तो मैंने दोनों में एक स्टोरी रखी है। इसमें मैंने दिखाया कि यार स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो मैडम पे लाइन मारते हैं जैसे आजकल के लड़के होते okay, हैं। शी इज अ मैडम ओवर देयर। हां तो यार वो मैडम लग नहीं रही यार, अरे इतनी क्या बोलूंगा आपके आजकल लड़कियां है ही इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत है। अच्छा हां तो इसीलिए ओके मैडम भी आजकल इतनी खूबसूरत होती हैं, मेरे टाइम में भी थी मैडम मुझे बहुत चपेटा बेटा के बुलाती थी। अगर हम इस गाने की हम बात करें तो इसमें टीम आपकी वही है जो रॉन्ग टर्न है, और आप जो इसमें और इसमें आपको एक खास बात बताता हूँ कि इसमें जो बंदे मेरे साथ जो टीम मतलब जो मेरे साथ डांस कर रहे हैं, जो मेरे साथ एक्ट कर रहे हैं, वही कैमरा भी कर रहे हैं, तो हमने बहुत ही मतलब जुगाड़ू टाइप से बड़ा अच्छा से जुगाड़ू टाइप से वीडियो बनाया है उसमें, लेकिन क्रिएटिविटी का पूरा फ्लेवर डाला है, तो उसमें सब कुछ आधे ज्यादा क्रिएटिविटी है। मेरे भाई लोग जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने ही इसमें एक्ट भी करा है, अगर आप पीछे डांस वांस करते हुए देखेंगे मतलब भाई मतलब एक्टर भी तुम्हारे पास है, पीछे वाले डांसर भी तुम्हारे पास है, एक्ट्रेस भी तुम्हारे पास है, गाना भी तुम लिख लेते हो, कंपोज भाई तू बच क्या गया बस सब कुछ है, बस सब कुछ अकेले बंदे कर रहे हैं भाई, थोड़ा हमारे भी ख्याल रखिए। फिलहाल अब अगर इस गाने को मैं जरूर प्ले करूंगा लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज है उन्हें भी ले, उनके उनको थैंक यू भी कहना यार। Awesome song, music, acting, video. Wow, a new star has born now. Keep rocking, Anshul. Wrong turn. Message is by Vinod and Sunita. क्या कहना चाहेंगे? भाई कहते हैं कि एक नया star जो है पैदा हो गया। कब पैदा हुए थे? मैं 1992 में पैदा हुआ था। कभी नहीं बतानी चाहिए अपनी एज। आज बता रहा हूँ, कभी मत बताना। नहीं वैसे हाँ कहते हैं कि महिलाओं से उनकी एज और पुरुषों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। सही बात है, इसलिए मैंने सैलरी नहीं बताई बट एज बता दी है।
हाय पहाड़ों के राजा अखिल, हाय इट्स माधुरी हियर। अंशुल यार सॉन्ग बहुत अच्छा है। बाय द वे यू आर लुकिंग स्मार्ट एज ऑलवेज भाई। यार स्मार्ट तो तुम हो ही। गुड इवनिंग सर, रॉन्ग टर्न सॉन्ग बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा मेरे को एंड मैंने अभी बहुत इंजॉय भी किया और अब बहुत जल्द ये सारी जगह सुनाई देने वाला है। अखिल सर आप भी, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, एक बार आप भी सर के साथ कुछ गाना गुनगुना दो अच्छे। हाय विनीत, दिस इज आरजे अखिल फ्रॉम रेडियो खुशी। आई ऑल्सो हर्ड योर सॉन्ग तेरा जादू चल गया। ओके दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो मस्त यार, एंड स्पेशली योर को स्टार, शी इज अ किलर ब्यूटी। अच्छा अच्छा और कुछ भाई? अच्छा नो वर्ड्स भी लिखा है साथ में। ओके तो विनीत मैं कहना चाहूंगा जो तुम कहना चाह रहे हो वो हो नहीं पाएगा और जो तुम चाह रहे हो वो बिल्कुल हो जाएगा। तो अंशुल जैसे कि यार टॉपिक से नहीं भटकता, आपके गाने के बारे में बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपका टैलेंट है बड़ा गजब का टैलेंट है, मैं बता दूं भाई जब हम ऑफ ईयर हो रहे हैं तो भाई सच में बड़ी अच्छी सी बातें कर रहे हैं, ऑन ईयर नहीं कर सकते हम ऐसी बातें। बट हाँ कुछ ऐसी बातें उन्होंने, कुछ ज्ञान की बातें भी उन्होंने बताई और अभी मुझे पता चला कि ये अच्छा गाते भी हैं। और जब इन्होंने गाना गाया भी, एक फरमाइश भी आई थी मुझसे कि मेरे से भी गाना सुनना चाहती थी, फिलहाल मैं तो गाना सुना ही दूंगा। लेकिन अंशुल यार एक गढ़वाली गाना मैं आपके उन ओटों से सुनना चाहता हूँ, जुबान सुनना चाहता हूँ जिस पर आपने रॉन्ग टर्न गाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मेरे साथ ये गाना गाइए। नहीं यार बिल्कुल मैं आपके साथ भी गाऊंगा, लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल ख्वाहिशें सब आवाज में एक गढ़वाली गाना। हाँ यार ये तो है। नहीं पहले मैं आपकी बहुत सुनना चाहूंगा, उसके बाद एक कॉम्पिटिशन। हेड साहब बताइए कौन है अच्छा। मैं अखिल जी के बिल्कुल साथ हूँ। अरे धोखा धोखा। नहीं नहीं ये बिल्कुल मैम की आवाज से बिल्कुल फैन हो चुका हूँ, इसलिए मैं अखिल जी के साथ हूँ, बाकी कॉम्पिटिशन देखते हैं। फिर भी मेरा वोट उनकी तरफ जाता हूँ। हम गाते हैं गाना, एक बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये है आपका सरोली गाना, हर किसी ने सुना होगा, बहुत फेमस गाना है, प्रीतम जी ने गाया है इस गाने को। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनता भी रहता हूँ, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। सो मैं ये गा के सुनाता हूँ आपको, थोड़ी सी लाइनें, कुछ गलती चलती है अगर गढ़वाली लैंग्वेज वगैरह में हो जाए इधर उधर तो प्लीज माफ कीजिएगा। आहा सरुली मेरा जिया लगी गे तेरी रो त्याली मुखुड़ी मा, आहा हक बक सी रहेगी में पहुंची तेरा कुमांगड़ मा। और वैसे अगर हम और बात करें, अगर हम गानों की बात करें तो यार लिरिक्स की अगर हम बात करें, शब्द ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और आप जो रॉन्ग टर्न में जो अपने शब्द यूज करे हैं, आपने कहा आपको गढ़वाली नहीं आती है बट स्टिल यूर बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं आपने, तो कहाँ से ढूंढते हैं, मतलब यार मैं दोबारा वो सवाल पूछूंगा, कहाँ से ढूंढ पाते हैं वे शब्द, क्योंकि मुझे बड़ी जरूरत होती है नए नए शब्दों की, क्योंकि आपने उस पर खोला भी यूज कर रखा है। खोला वर्ड जो होता है, मतलब बहुत कम लोगों को ये वर्ड पता होता है। हाँ जी हमारे गांव में बड़ा यूज होता है खोला, मतलब कोना, मतलब कोने के नीचे मोहल्ला होता है। तो बड़ा अच्छा गाया है आपने यार। और अगर लिरिक्स की हम बात करें तो वही बहुत अच्छे, पिक्चराइजेशन की हम बात करें भाई टीम सामने बैठे मुझे लगी रहे क्रिएटिव है भाई, बड़े ये मुझे लग रहा है मेरी नौकरी ना खा जाए यार कहीं भाई, ऐसा करोगे तो नहीं? आपका कॉम्पिटिशन कहाँ, आप तो सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर। वैसे आईपीएल भी शुरू होने वाले हैं, कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे? मैं तो ज्यादा, वैसे मैं आईपीएल देखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना। ओके बिजी बिजी कहाँ है? मैं जिस धोनी की टीम जो चेन्नई थी वो तो बंद हो गई, क्या जिसमें आप, जिसमें विराट कोहली होगा बस वही आरसीबी। वैसे सुनने में आया कि विराट कोहली भी जो है आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। अच्छा सुनने में आ रहा है क्योंकि चोट के कारण जो है ना, चौथा टेस्ट मैच भी नहीं खेला था और उसी कारण, क्योंकि कुछ 7-5 दिनों में मैच शुरू होने वाले, आईपीएल शुरू होने वाले हैं, तो शायद खबर आई है उड़ती उड़ती, लेकिन हाँ वो टीम को सपोर्ट जरूर करेंगे, आरसीबी की तरफ से बैठे जरूर रहेंगे चीयर अप करने के लिए, जैसे आपके भैया आपके साथ रहते हैं। आईपीएल की बात आई तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मल्टी टैलेंट की बात आई है, सो जो भाई हमारे साथ बैठे हैं जो हेड डायरेक्शन हमारा कर रहे हैं, ये पहले तो इंजीनियरिंग इन्होंने करी थी, इंजीनियर भी है, ये हेड डायरेक्शन भी है, प्लस ये क्रिकेट में भी बहुत बड़े महारत हैं, मतलब भाई साहब क्रिकेट भी खेलते हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट में इन्होंने काफी ज्यादा पदक भी हासिल कर रखे हैं। अच्छा वे क्रिकेट खेलते हैं, मेरे जहन में एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी जी बोलिए अंशुल के भाई जो है हेड प्रोडक्शन हमारे, यार वाइड बॉल पे अगर सिक्स मारेंगे तो कितने रन मिलेंगे? व्हाइट बॉल पे अगर आप सिक्स मारोगे तो आपको 6 रन मिलेंगे, क्योंकि वो व्हाइट काउंट नहीं होती है, वो इलीगल बॉल है, तो फिर व्हाइट बॉल पे मुझे छक्का मारना है। अगर आपको व्हाइट बॉल पे छक्का मारना है तो आपको व्हाइट बॉल पे छक्का मार के बॉल को व्हाइट बोलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल व्हाइट थी। बिल्कुल बॉल व्हाइट ही होती। मैं टेस्ट नहीं खेलता, मैं केवल वनडे खेलता हूँ। फिलहाल एक और सॉन्ग और मेरे फेवरेट है यार, जिसने गाना गाया है बोहेमिया, मेरी दिलो ख्वाहिश डिमांड भी है घर वालों से कि मिलवा दो यार कभी, और साथ में दोस्तों से भी है। वैसे दो और शख्स भी हैं जो बोहेमिया के बड़े फैन, क्या कहना चाहेंगे बोहेमिया के बारे में आप? बोहेमिया तो पहले मैं बोहेमिया नहीं बोलूंगा, उन्हें बोहेमिया पाजी बोलूंगा। ओके ये पाजी भी कहना चाहेंगे। पाजी अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप जहीं भी सुन रहे हो तो प्लीज हमारा गाना भी जरूर सुनिए। ये वैसे बहुत बड़े फैन है। दूसरे भाई भी मैंने सुना बड़े वाले फैन थे। सेम मैं ये बोलूंगा, गॉड है वो तो। गॉड है किसके? गॉड है बताओ, मतलब हॉलीवुड के गॉड है वो। हॉलीवुड और बॉलीवुड? हॉलीवुड
हॉलीवुड से बॉलीवुड है वो गॉड बॉलीवुड के बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पंजाबी रैपर 420 का गाना आया था. एक्चुअली हम बात कर रहे थे आपके प्रोडक्शन हाउस की, तो भाई मुझे गाना गाना है तो कैसे करके मैं संपर्क कर सकता हूँ, मतलब अभी स्टूडियो वाले तो पूछोगे नहीं मुझे, जानते भी नहीं मुझे, तो मैं कैसे आपके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ? यार आप जैसे क्रिएटिव बंदे ऐसी बस हम भी ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई मिल जाए, कोलैबोरेशन हो जाए, बढ़िया हिट बन जाए, बहुत अच्छी बात है. नहीं हिट तो बिल्कुल होगा. ऐसी बस हमारा एक निराला नेशन प्रोडक्शन का पेज है जी फेसबुक में, उसमें हमारी पूरी डिटेल है, उसमें हमारा सारा काम वाम सब कुछ डालते हैं. यूट्यूब में भी हमारा काम पड़ा होता है निराला नेशन प्रोडक्शन के नाम से, यूट्यूब में और फेसबुक में. सो फेसबुक में जो पेज नेम आपका दैट इज निराला नेशन प्रोडक्शन. तो माय डियर जनता इस वक्त आप फेसबुक चला रहे हैं, अच्छा चैटिंग भी चल रही है, अच्छा व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, ओहो फॉलो भी करा जा रहा है, सब कुछ करिएगा. लेकिन हाँ इनका वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और अपनी फेसबुक आईडी से इनका पेज भी लाइक कीजिएगा जो है निराला नेशन प्रोडक्शन जी. यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक में भी फॉलो कीजिएगा और मेरा पेज भी लाइक कीजिएगा निराला जी, जिसमें कि सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे. मैं क्या कर रहा हूँ वो पेज मैं ही चलाता हूँ और मैं सबको मैसेज का रिप्लाई वगैरह सब कुछ करता हूँ. अब जब इतना खर्चा कर ही दिया मालिक तो फिर लगे हाथ मेरा पेज भी लाइक कर देना. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज पीस लवर आरजे अखिल, PACLOVER RJ अखिल. सुन लिया ना आपने, ये नौजवान सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जी रहे हैं. मतलब भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, कुछ करना चाहते हैं आप जिंदगी में, बट आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट निराला नेशन प्रोडक्शन हाउस भाई और उनके साथ मिलकर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, उत्तराखंड की कल्चर को आप बचा सकते हैं, बोली भाषा को बचा सकते हैं. बिकॉज देखने को मिलता है आज के नौजवान जो है बड़ा शर्माते हैं गढ़वाली बोलने में, लेकिन अब हरे का घिचा मर रो लो रॉन्ग टर्न मतलब जर बिडिन गाउन सुनो ना मैं तो मजा आएगी यार.